वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर बिट का स्टूडेंट एट समर स्टेट बिट का यूनिवर्सिटी। ये है समर के टाइम में हमारे हॉस्टल के आसपास का नज़ारा। समर के टाइम में ये पूरा हरा भरा हो जाता है, पूरा पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। ये वाला जो एक एंट्रेंस है ना, एक्चुअली यहाँ पर अब फिलहाल क्लासेस लगने लगी है। जो हम अंदर जाते हैं वो वाला एंट्रेंस से जाते हैं, और ये भी हॉस्टल यूनिवर्सिटी की है। और जो मेन हॉस्टल है हॉस्टल नंबर 2 जिसमें हम लोग रहते हैं, ये वाला हॉस्टल है और इसका मेन एंट्रेंस यहाँ से है। और आपको दिखाता हूँ कि जब हम जाते हैं यहाँ से तो कितना दूर पे हमारा बस स्टैंड है। वैसे तो मैं यही से आपको दिखा सकता हूँ कि वो वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, रेल बिस्तरों फास्ट फूड का एक कॉर्नर है, वहीं पे बिल्कुल बस स्टॉप है, बिल्कुल पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और वो था एंट्रेंस जो मैंने दिखाया था, और ये है फास्ट फूड का कॉर्नर, और ये है बस स्टॉप। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, हम डायरेक्टली पार हो जाते हैं। जब गाड़ियाँ वगैरह आती है तो रोक देती है। ये वाला बस स्टॉप है, और जब हम उधर से आते हैं कई बार डीन्स ऑफिस वगैरह कहीं क्लास से, तो दूसरा बस स्टॉप जो है बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट साइड में, आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो वाला बस स्टॉप है। और जो ये वाला बस स्टॉप है हमारा हॉस्टल के नज़दीक में, ये वाला बस स्टॉप है और काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर वकोस नहीं तो उसका, यहाँ पर कुछ फास्ट फूड वगैरह खा सकते हैं। इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम लोग फोटो स्टेट वगैरह कराते हैं कुछ काम वगैरह पड़ जाता है तो, और फास्ट फूड के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे हॉस्टल से यहाँ निकल के आते हैं खाने के लिए। पासपोर्ट वगैरह कलेक्ट करना था, मेरा वीज़ा एक्सटेंशन हुआ था, क्योंकि हर एक साल जैसे यहाँ पर वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ता है अगर आपका यहाँ पर TRC वगैरह नहीं बना हुआ है। और TRC कैसे बनती है इसके बारे में मैं डिटेल वीडियोस लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी तक मेरे नोन में कोई TRC नहीं बनवाया था। मेरा एक फ्रेंड था लक्ष्मण अग्रवाल का, उसने बनवाया है, तो उसको पूरा आइडिया है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊँगा कम्प्लीट कि कैसे TRC बनती है, कैसे बनाया जाता है। और उसका बेनिफिट ये है कि जब आप एक बार TRC लगवा लेते हो तो फिर दोबारा आपको, मतलब ऐसे होते हैं ना कि आपको दोबारा वीज़ा नहीं लगवाना पड़ता। तो वो वाला एरिया से हम लोगों ने निकल के आया था बस स्टॉप के पास से, और बस यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस होते हुए आगे वो वाला हिस्सा डीन्स ऑफिस का है। और मैं इस पर क्लियरिटी दूंगा अभी कि कई लोग कहते हैं कि ये वाला बिल्डिंग जो है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, रियलिटी और रीज़न क्या है। तो भाई ये है हमारा डीन्स ऑफिस समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, ऊपर लिखा हुआ है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसकी एक और बिल्डिंग यहाँ पे, टोटल 2 बिल्डिंग है सेंटर के ऊपर, और ये है सेंटर प्रॉपर। यहाँ पर सिंगिंग विंगिंग चल रहा है अच्छे तरीके से। तो भाई डीन्स ऑफिस का काम हो गया कंप्लीट, पासपोर्ट वगैरह मिल, और फिलहाल पीछे डीन्स ऑफिस। देखो बताऊँ कुछ चीज़ें, एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारा डीन्स ऑफिस का जो एरिया है, कई लोग यहाँ आते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, और ये बोलेंगे तुमको कि भाई ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक्चुअली भाई ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीन्स ऑफिस है, जहाँ पर तुम्हारा सारा काम होता है, एडमिशन वगैरह का, इनविटेशन वगैरह का, इन सब सारे चीज़ों का काम होता है। जब यहाँ पर आ जाते हो तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है, इन सब सारे चीज़ों का काम होता है। तो जो लोग तुम्हें ये कह रहे हैं कि भाई ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक्चुअली ये समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, मेडिकल यूनिवर्सिटी उधर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। और इसको अच्छे तरीके से देख लो भाई, ये राहुल, इसका भाई बाल संभल ही नहीं रहा है, भाई संभल ही नहीं रहा है इसका बाल, इतना तेज़ हवा चल रहा है ना, मैंने कान में से एयरफोन निकाल के माइक मैंने लगाया। भाई तो कैब आ गई हमारी, ब्रत पसी
है।